बेन स्टोक्स ने सीधा सीधा कह दिया कि इंग्लैंड कभी गिव अप नहीं करेगी। लेकिन क्या आपको पता है, एक बार इसी इंग्लैंड ने सिर्फ एक बोर्ड पकड़ने के चक्कर में टेस्ट का हिस्टोरिक रन चेस गिव अप कर दिया था। एक जमाने में सभी पुजारा की तरह खेलते थे एंड मैचेस एंड सीरीज दोनों भी हमेशा ड्रॉ होते थे। तो विनर्स डिसाइड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 1877 में टाइमलेस टेस्ट का इन्वेंशन किया, मतलब रिजल्ट ना आए तब तक खेलते रहो। 1939 में हिस्ट्री की सबसे लंबी टेस्ट साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच 10 दिन तक चली। फोर्थ इनिंग्स में इंग्लैंड 696 रन्स चेस कर रहे थे। जीत के लिए सिर्फ 42 रन्स और चाहिए थे और गेम 11 डे को भी रिज्यूम हो सकता था। लेकिन अगले ही दिन इंग्लैंड बोट पकड़ के घर चली गई, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक बोट मिस की थी और अगली बोट एक हफ्ते बाद थी। सो इंग्लैंड ने मैच ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया। साउथ अफ्रीका इस डिसीजन से काफी ज्यादा नाखुश थी और इस मैच के बाद टाइमलेस टेस्ट का भी टाइम पास बंद हो गया।